आपको पता है ना फूल कहाँ से लाने, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सुरजीत जी, बनारस के कारीगर को भगवान राम सोने की मूर्ति का ऑर्डर दे दिया ना? सुबह हमारी बात हो गई थी राजकुमारी जी, मूर्ति जल्द से जल्द तैयार हो जाएंगी। ठीक है। नमस्ते भैया जी, वो क्या है ना, हम देवगढ़ के शाही खानसामा है राजकुमारी जी, आप हमें भैया ना बुलाए तो बेहतर होगा। सॉरी खानसामा जी, आपको बुरा लग गया? मैं आइंदा से आपको कभी भैया जी नहीं बुलाऊंगी। चलिए, ये 56 भोग की लिस्ट देनी थी आपको। क्या बात है, सब्जी नहीं आई? अरे मैंने ओम सिंह से खुद कहा था लाने के लिए। तो क्या हम बासी सब्जी से प्रसाद बनाएंगे जी? अब एक काम कीजिए, कल सुबह 5 बजे मंडी जाइए और वहाँ पर अपने हाथों से सब्जी खरीदिए। 5 बजे सब्जी फ्रेश होती है, ताजी होती है। और याद रहे, अपने हाथों से चुनकर सब्जी खरीदिएगा, गली हुई और खराब सब्जी हम हाथ तक नहीं लगाएंगे। और हाँ, एक बात और, आपने जो आटा भिजवाया है उसे हम हाथ तक नहीं लगा सकते हैं। हम शाही खानसामा है राजकुमारी जी, पैकेट के आटे को छू नहीं सकते। समझ गई, अब तो खुद ही चक्की पिसनी पड़ेगी आपके लिए। राजकुमारी जी, आप हमारा मजाक मत उड़ाइए, हमारा अपमान मत कीजिए। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मैं खुद अच्छे गेहूँ खरीद कर उसे पिसवा कर आपके पास भिजवा दूंगी। याद रहे, गेहूँ झूठा नहीं होना चाहिए। खामा गनी खानसामा साहब, आप हमारी जीजी को इतना परेशान तो मत कीजिए। बेचारी पहली बार शाही दावत का हिस्सा बन रही है, अब अगर थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? जे, चुप कर, बात को और मत बिगाड़। राजकुमारी जी, अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो पूजा के पकवान आप खुद ही बना लीजिए, हमें माफ कीजिए। हाँ, अरे रुकिए, सुनिए तो सही। इतनी अकड़ भी ठीक नहीं है, होंगे कहीं के शाही खान सामा, पर राजकुमारी से ऊपर तो नहीं है ना? जी राजपुरोहित जी, आपके यहाँ ठीक 11 बजे गाड़ी पहुंच जाएगी। जी धन्यवाद। कोमल, राजपुरोहित जी 12 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे। राम जी के पैदा होने का समय भी तो दोपहर को 12 बजे ही था ना, तो उसी वक्त पूजा भी शुरू करेंगे। और इस साल की पूजा बहुत ही धूमधाम से संपन्न होगी, हमारी दोनों बेटियां जो शामिल हो रही हैं, और माँ साहब, मान्यता को एक बार फिर से मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक बात कहें? बोलिए कोमल। पिछले कुछ दिनों में हमने मान्यता में एक बहुत अच्छा बदलाव देखा है, ये जानते हुए भी कि जे युवरानी बनने जा रही हैं, मान्यता हमारे परिवार को, हमारे परंपराओं को अपनाना चाहती हैं। बहुत खुशी की बात है ना? हाँ कोमल, भगवान ने चाहा तो कल खुशी के और भी अवसर आएंगे हमारे सामने। भाई, कैसे चल रहे तुम्हारे प्रेपरेशंस? मजा आ रहा है? तूने और तेरी बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। हम विजेंद्र सिंह और जयनंदिनी शपथ लेते हैं, हम मान्यता की जिंदगी मुश्किलों से भर देंगे, है ना? You're right. हमने कसम तो खाई है, पर इतने गंदे और टैकी शब्द में नहीं। What is this? हम शपथ लेते हैं? हम कोई 80s की फिल्म में है क्या? मार खाएगा या जाएगा यहाँ से? शांत भीमवती शांत, हम पर इतना भड़क क्यों रही हो? आखिर हमने किया ही क्या है? तू और जे
एक ही थली के छट्टे बट्टे हो। मैं जानती हूँ उसने ही शाही खान समा को मेरे खिलाफ भड़काया है। ये पूजा तुम दोनों के बेवकूफ खेलों से कहीं ज्यादा जरूरी है। तुम दोनों के दिमाग में छोटी सी बात गुस्से क्यों नहीं है? हद हो गई, हमने कुछ किया भी नहीं और तुम तब से जय के कंधे पर बंदूक रखकर हम पर ठाई 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 गोलियां चला रही हो। फाइन, हम यहां से जा रहे हैं। एंड बाय द वे, हम यहां सिर्फ तुम्हारी मदद करने आए थे, ओके? विजय बन्ना, हम हैं तो क्या गम है? आप फिक्र मत कीजिए, मान्यता की मदद करने के लिए हम हैं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, और हम ये बात जय को ही बता देते कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूजा तो महा सक्सेसफुल होने वाली है। आफ्टर ऑल तुम दोनों साथ में इस पूजा का इंतजाम कर रहे हो ना? बिल्कुल, और ये पूजा जय के लिए तो रखी जा रही है। अगर मान्यता और हम दिन रात एक ना करें तो ये पूजा जय के लिए सफल कैसे होगी? राइट, बाय। सब कुछ सही चल रहा था, अचानक मां साहब ने मान्यता की तरफ फिर से दरियादिली जाहिर करनी शुरू कर। क्या करें, क्रिकेट का सीजन है ना ब्रिजराज, मां साहब भी अपनी गुगली पे गुगली डालते जा रहे हैं। हाँ, जो भी है, पर युवरानी तो जय नंदिनी ही बनेगी। पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं गिरिराज, आजकल उदय और जय के बीच दोबारा नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। मान्यता के लिए उदय के दिल में जगह है ब्रिजराज, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पर हाँ, जितना हम उदय को जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि वो अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग से सोचते हैं, और शायद इसी वजह से वो अपने जहन में और भी जिंदगी में दोबारा जय के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब भगवान करे जल्द से जल्द उदय और जय की शादी हो जाए और हम फिलिप के साथ अपनी डील को आगे बढ़ा सके। डील तो आपको साइन करनी पड़ेगी पृथ्वीराज, क्योंकि आप एडवांस ले चुके हैं और सुनने में आया कि आपने वो पैसे खर्च भी कर दिए। बस अब आप भी हमारे साथ मां साहब की जबान में बात करना शुरू मत कीजिए कि विराज, हम महाराज हैं महाराज, अब क्या हम पर भी पैसे खर्च करने की पाबंदियां लगाई जाएंगी? अरे ब्रिजराज, आप तो बुरा मान गए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम हमेशा आपके साइड पर हैं। अब चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, देवगढ़ का ताज जय के सर पर ही होना चाहिए, क्योंकि इस पर सिर्फ जय का ही नहीं आपका फ्यूचर भी निर्भर है। आइए ना प्लीज। खान साहब अंकल जी मुझसे नाराज होकर निकल गए, अब मैं क्या करूं? खुद ही कढ़ाई पे बैठ जाऊं? उदय भी ये सब अकेले मैं कैसे करूंगी? ओहो प्रिंसेस, रिलैक्स। खान साहब अंकल का भी गुस्सा तुम्हारी तरह बहुत ही जल्द ठंडा हो जाएगा। तब तक उन्होंने जो सामान मंगवाया हम उनकी तैयारी कर लेते हैं। ये सारा इंतजाम आपको करना है, ध्यान रहे किसी बात की कमी नहीं रहनी। टीएस, हमारे लिए क्या हुक्म है? हम भी आप सबकी कुछ मदद करना चाहते हैं। आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है जी, मान्यता कर रही है ना सारा इंतजाम, आपको तो बस कल की लुक पे ध्यान देना है। आपको देखने के बाद ये लगना चाहिए कि हमारी सैकड़ों सालों की परंपरा आज भी जिंदा है। देवगढ़ की युवरानी जब पूजा में आए तो लोगों को ये लगना चाहिए कि उन्होंने दिन में चांद देख लिया है। हमें पूरा यकीन है कि राज पुरोहित जी आपसे जरूर खुश होंगे।
सारी सामग्रियों का इंतजाम हो चुका। कांसामा जी, अब तो आप भोज तैयार करेंगे ना? युवराज जी, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। ये सारा सामान बावर्ची खाने में ले आओ, बहुत काम पड़ा है। और ये कोई आम दावत नहीं है, राजभोज है, राजभोज। आओ। सुरजीत, सब कुछ एकदम चमका देना, ठीक है? जी राज। मान्यता। आपने बाकी पूजा की तैयारियां तो बहुत अच्छी की हैं। चलिए आइए, हम आपको पूजा का थाल सजाना सिखा देते हैं। बैठिए, फूल दीजिएगा। सबसे पहले ये मूर्तियां रखिए बेटा। मान्यता बेटा, हमने आपके सारे इंतजामात का मुआयना किया है और सब काबिले तारीफ है, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। पूजा की विधि का एक मुहूर्त होता है और हर विधि अपने सही समय पे संपन्न होनी चाहिए। जी दादी साहब। अरे उदयवीर, तू कहाँ पे था? पता है, माँ मुझे पूजा की थाली सजाना सिखा रही है। बैठिए बेटे। घर में पूजा की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। Really? हमने सोचा कि हम क्लब में आके क्यों ना अपने फेवरेट अंकल और डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। गुड थिंकिंग। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, हमें भी आपके साथ वक्त गुजारना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अंकल, हम सोच रहे थे कि अगर इस वक्त उदय हम तीनों के साथ होता तो कितना अच्छा होता ना। मगर उदय तो आपके यहाँ था ना। खैर कोई बात नहीं, हम उसे अभी फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। हेलो। हेलो उदय बेटा। या डैड। ठीक है, हम अभी आए। तू चला जा, वैसे ही सारे काम खत्म हो गए और अगर कुछ बाकी है तो वो मैं खुद कर लूंगी। श्योर? पक्का। ठीक है, आज की रात तुम अच्छे से सोना, कल तुम्हारे लिए बहुत अहम दिन होने वाला है। गुड नाइट। गुड नाइट। Excuse me.
जे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गजल सुनने आए उदय। ये क्लब है उदय, हम ऑफ कोर्स यहाँ थोड़ी देर चिल करने आए हैं, और क्या। वैसे भी वो काम वाली है ना घर पे सारे काम करने के लिए, वहाँ तुम्हारा या हमारा क्या काम। उदय बेटा, उदय आ गया, यहाँ आइए। उदय बेटा आप हैं कहाँ? अरे भाई आपके ब्रेज अंकल और हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। कब से। चलिए कौन मेकअप से वो ड्रिंक, एक चेयर लाना प्लीज। राजकुमारी, हमारी इंतजाम कुमारी, खीर का क्या सीन है, बन गई? अब तक तो नहीं, वो तो मैं कल सुबह ताजा ताजा बनाऊंगी। कैसे, हवा में? हट पागल। अरे खीर बनाने के लिए दूध तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, मलाई तो थी। मान्यता मान्यता मान्यता, तुम कब समझोगी कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। सब टेढ़ी खीर है, ये जो डब्बे वाला दूध है ना, इससे शाही खीर नहीं बनती है। शाही खीर बनाने के लिए तुम्हें किशांग डेयरी फार्म के ग्वाले के पास जाना पड़ेगा, और वो भी सुबह 5 बजे। अब ये कहाँ पर है? शहर से 60 किलोमीटर दूर। और तू मुझे अब बता रहा है? ले, हम तो बताने आए थे, पर तुम और उदय बड़ा बोल रहे थे कि हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, तो हम क्या करते। मतलब वहाँ के लिए तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा, ताकि मैं तड़के तड़के वहाँ पहुँच जाऊँ और फिर दूध लेकर सुबह 7 बजे तक वापस आ जाऊँ। एग्जैक्ट। उदय को फोन करती हूँ। वापस करती हूँ। सो गया होगा, अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। एक काम करो, इस वक्त काफी रात हो गई है, और तुम देवगढ़ की कोई कार ले जाओ, और साथ में हमारा ड्राइवर भी, उसे रास्ता पता है, क्योंकि अकेली जाओगी तो फिर भटकती फिरोगी ना। ये तूने सही कहा, मैं ऐसा ही करती हूँ। थैंक यू विजय भाई। यू आर मोस्ट वेलकम। विजय भाई, मैं 2-3 घंटे में वापस लौटाऊंगी, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बता दियो, ठीक है? ओके। चलिए बाय बाय। जय भाई, काम हो गया है, चौल कुमारी ग्वाला ढूंढने निकल पड़ी है। कल सुबह जब राज पुरोहित जी यहाँ अटेंडेंस लेने आएंगे, तब मान्यता के नाम के आगे एब्सेंट लग जाएगा। I tell you. राजकुमारी जी, हम पहुंच गए।
आप यहीं पे रुकना, मैं बस अभी दूध लेके आई, ठीक है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अरे ड्राइवर अंकल रुकिए! अरे कहाँ जा रहे हो आप? अरे रुको! अरे अंकल! अरे मैं अकेले कैसे जाऊंगी? अरे रुको! अरे रुको! सिग्नल भी नहीं है। ये जय और विजय, राहु और केतु कहीं के? दोनों कुंडली मारकर बैठे मेरी किस्मत पे। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। अरे कोई है यहाँ पे? कोई है? डरता है क्या मेरे से? बाहर आ, अपनी शक्ल तो दिखा। क्या मुसीबत है, यहाँ से कहीं भी पैदल पहुँचते पहुँचते मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। खुश रहिए। माँ साहब, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घड़ी खम्मा। खुश रहिए। आप सब तैयार हैं ना? कुछ ही देर में सारे पुरोहित पहुंचने वाले हैं। जी। सीमा? जी राजमाता जी। द्वार पर जो पूजा होने वाली है उसकी तैयारियां कर ली है ना तुमने? जी राजमाता जी। सबसे पहले पूजा में आप बैठेंगे। आप देवगढ़ के महाराज हैं ना? कमाल है माँ साहब, ये हमारी जिंदगी की पहली पूजा थोड़ी ना है। हम पूजा पाठ की विधियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये बातें आपको मान्यता को समझानी चाहिए। अरे लेकिन मान्यता है कहाँ? सुबह से कहीं नजर ही नहीं आ रही। उन्हें तो यहाँ हम सबसे पहले पहुँचना चाहिए था ना। पूजा की कुछ आखिरी तैयारियों में लगी होंगी, आती होंगी। मैं 2-3 घंटे में वापस लौटाऊंगी। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बता दियो, ठीक है? अरे कोई है यहाँ पे? अब तक नेटवर्क नहीं है। कोई है यहाँ पे?
कौन हो तुम? तुम्हें क्या? कहीं तुझे विजय भाई ने तो नहीं भेजा? चल सच सच बोल। ये अपना विजय पाटिल, वो तो 2 दिन से बीमार है और स्कूल भी नहीं गया। पर आप हो कौन? इतने अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ क्या कर रही हो? कहीं आप परी तो नहीं हो? नहीं नहीं पागल, मैं तो एक राजकुमारी हूँ। राजकुमारी? राजकुमारी हो? ये देखो राजकुमारी है ये। तुम मेरी फिरकी ले रहे हो कि सच की राजकुमारी हो? नहीं नहीं पागल, मैं सच की राजकुमारी हूँ। अच्छा ये बताओ तुम लोगों का नाम क्या है? धर्मेश। भाविक। कुलदीप। विशाल। वेदान। अभिषेक। मोनू। मोनू, ले मेरा और तेरा नाम कितना मिलता जुलता है। वैसे तो मेरा नाम मान्यता है, पर सब ना मुझे प्यार से मोनिया बुलाते हैं। मोनिया, अगर तुम सच की राजकुमारी हो तो यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, छोटी बहन है, बहुत ही गंदी राजकुमारी, उसने मुझे धोखे से भेज दिया, क्योंकि आज मेरा महल में रहना बहुत ही जरूरी है। न जाने मान्यता कहाँ रह गई, उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। राजपुरोहित जी बस किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। कहा था हमने माँ साहब कि उस लड़की को इतनी जिम्मेदारी मत सौंपिए, मगर आप हमारी सुनती कब है? अब भुगती है? मान्यता पर अंधविश्वास करने का नतीजा भुगती है। माँ साहब, हमने अभी अभी शाही खानसामा से बात की तो उन्होंने कहा कि मान्यता ने पूजा की विधि, सारी सामग्री और शाही पकवानों की बहुत अच्छे से तैयारी की है, बस उनसे एक छोटी सी भूल हो गई। वो खीर के लिए दूध गलत ले आई, ये जानने के बाद से वो किसी को दिखी नहीं है। देख लिया मां साहब, गलती हो गई उससे। इसका मतलब है वो जल्द ही लौटेंगी। आप उनका फोन ट्राई करते रहिए, जैसे मिले हमें बता दीजिएगा। जी मां साहब। दादी साहब, हम लगातार मान्यता का फोन ट्राई कर रहे हैं, जैसे लगता है हम आपकी बात करा देते हैं। मुझे दूध मिल सकता है? अगर घर वक्त पे पहुंच गई तो फिर खीर भी बना लूंगी। मोनिया, मैं तुझे तू बुला सकता हूँ क्या? कितना शाना है रे तू, तू मुझे तू बुला, तुम बुला, जो बुलाना है बुला ले। तू यहीं पे खीर बना ले ना, जब तक तेरा ड्राइवर वापस आएगा तब तक खीर भी बन जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि वो ड्राइवर अब वापस आएगा भी। तो यहाँ से कोई ट्रक गुजरेगा तो हम लोग तुझे उसमें चढ़ा देंगे। ज्यादा मत सोच और खीर बना ले, मोनू हमेशा सही कहता है। पर मैं खीर अकेले कैसे बनाऊंगी? तू अकेली कहाँ है? देखो हम लोग नहीं दिख रहे, तू राजकुमारी है कि पागल है? मैं नहीं, तू पागल। तू पागल है? तू पागल। 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 तू पागल।
तो होना ही था। मान्यता जी हमें नीचा दिखाने का इतना अच्छा मौका कैसे गवा देती? उन्होंने जानबूझकर ये खीर वाला नाटक किया ताकि दूध लाने के बहाने वो घर से बाहर जा सके और फिर मुहूर्त के खत्म होने के बाद ही घर लौटे। इन बचकानी हरकतों की वजह से वो हमारी पूजा में खलल डाल रही है डीएस। उन्हें इतनी भी अक्कल नहीं है कि ये पूजा हमारे लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए की जा रही है। खीर तो बन गई। अरे वेदांत, कुछ मिला क्या? तू भैंस पे बैठ के जा सकती है क्या? जा तो सकती हूँ, पर सब लोग सोचेंगे कि यमराज आ गया। अगर उदय भी रोता ना तो सारी मुश्किलों का हल हो जाता। उदयवीर चुप, सब लोग मार खाओगे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। दोस्त वो क्या है ना, असल में वो एक राजकुमार है। हल्का टेढ़ा खसमानू खाना, एक नंबर का येड़ा। अगर वो होता ना तो खीर क्या, मैं दूध देने वाली गाय के साथ अब तक महल पहुंच गई होती। पर देखो ना, मैं उसे फोन भी नहीं लगा सकती, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं है। ए मोनिया, हमारे गांव को इतना भी गया गुजरा मत समझ, एक जगह है जहाँ नेटवर्क मिलता है। कहाँ? राजमाता जी, देवगढ़ रियासत के राजपुरोहित पंडित विष्णु मोहन जी पधार चुके हैं। आसन ग्रहण कीजिए। बिना किसी विघ्न के आरती आरंभ करते हैं, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा करते हैं। Thank you.
वो जगह जहाँ नेटवर्क मिलेगा। अच्छा तो चढ़ जाओ ऊपर, संभाल के। मिल गया? मिल गया, मिल गया, नेटवर्क मिल गया। चढ़ गया। अच्छा वो लास्ट नंबर डायल करो। मान्यता कहाँ हो यार तुम? ए तू उधर भी रहे? कौन बोल रहे? अरे हल्का बेड़ा खसमानू खाने, अगर तू यहाँ होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कौन बोल रहा है और मान्यता कहाँ है? अरे वो नीचे मेरे दोस्तों के साथ खड़ी है, मैं पेड़ पे चढ़ा हूँ ऊपर। हम लोग मधुबन डेयरी में, मान्यता यहाँ पे फंस गई है। तुम जल्दी से आके मान्यता को बचा लो, क्योंकि तुम राजकुमार हो ना, और वो राजकुमारी, और वो महल की गंदी राजकुमारी ये नहीं चाहती कि मान्यता वापस महल में पहुंचे। समझे तुम? समझे। अपना पूरा एड्रेस बताओ। तो आखिर एक प्रिंसेस को बचाने के लिए एक प्रिंस को आना ही पड़ा। ये तो बड़ा हुड़ हुड़ दबंग है मुनिया। तो तू आ गया, तुझे फुर्सत मिल गई? ये सब लड़े हम कभी इत्मीनान से कर सकते हैं? फिलहाल महल चलो, पूजा शुरू हो चुकी है। और वैसे ही जय राजपुरे जैसे दो चार पॉइंट तो ले ही चुकी है। हाँ हाँ, खीर के बिना तो मुझे खत्म ही नहीं होगी, और खीर मेरे पास है। चलो। क्या तुमने खीर यहाँ बनाई? हाँ उदयवीर, चले। मोनिया तुम जा रही हो? अब आप खीर ले आइए। गुरु जी खीर? राजमाता आप जानती हैं ना कि खीर के बिना पूजा संपन्न नहीं हो सकती। गुरुजी, हम जानते थे कि हमारी बहन से कोई ना कोई भूल जरूर हो जाएगी, इसीलिए इसीलिए हमने भी खीर बनवा ली थी। क्या राजकुमारी जयनंदिनी, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि पूजा की खीर राज परिवार के किसी सदस्य के द्वारा ही बनाई जानी चाहिए? जब तक हमें ये पूजा की खीर नहीं मिल जाती, हम ये पूजा संपन्न नहीं कर सकते राजमाता। गुरुजी
अब आपको खीर के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा राजपुरोहित जी। मत हुई राजपुरोहित जी, मैं लेट हो गई इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मुझसे कहा गया था कि आपको सबसे शुद्ध दूध की खीर खाना पसंद है, इसलिए मैं शहर से 60 किलोमीटर दूर गई थी एक गौशाला में आपके लिए दूध लाने। और लौटते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और इसलिए मैं लेट हो गई। मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है, आज भगवान राम जी का जन्मदिन है और आपको पता है खीर बनाने में मेरी मदद किसने की? भगवान राम जी के वानर सेना ने। अगर आज ये बच्चे नहीं होते ना तो खीर वक्त पे नहीं बनती। अगर स्वयं भगवान श्री राम ने इन्हें यहाँ भेजा है पूजा का हिस्सा बनने, तो ये भी हमारे साथ बैठकर ही खीर खाएंगे। राजपुरोहित जी, आपको पता है एक बार मेरी माँ ने ना घर में खीर बनाई थी और मैंने उसमें ढेर सारा नमक डाल दिया था। एक मिनट, हम देवगढ़ की युवरानी हैं, खीर हम परोसेंगे। जैनंदनी, तू ही खीर परोस, मैंने खीर बना दी, मेरा मन तो भर गया, अब थोड़ा पुण्य तू भी कमा ले। राजकुमारी मान्यता ही खीर परोसेंगी। मान्यता, आपने सुना नहीं गुरुजी ने क्या कहा? परोस दीजिए खीर बेटा। Thank you.
गुरुजी, देवगढ़ के होने वाली युवरानी को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देते हैं कि आप आने वाले 100 सालों तक देवगढ़ की रियासत पर पूरी क्षमता से राज करें। परियों की राजकुमारी बोल। परियों की राजकुमारी जीत गई। 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 बंद करो ये शोर। गुरुजी, आप हमारे कुल के राजपुरोहित हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, मगर आपने ये क्या कर दिया? देवगढ़ की युवरानी जयनंदिनी है, मान्यता नहीं है। ये सारी पूजा, ये तैयारियां जयनंदिनी के लिए की जा रही हैं, और आपने आपने इस लड़की के सर पर हाथ रख दिया। परंतु आपकी बड़ी बेटी तो मान्यता है ना महाराज? राजकुमारी मान्यता की जय। राजकुमारी मान्यता की जय। राजकुमारी मान्यता की जय। राजकुमारी मान्यता की जय। अच्छा 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 अच्छा। मान्यता, आप इसी वक्त इन बच्चों को यहां से लेकर जाइए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात हो रही है, ये कोई बच्चों के खेल का मैदान नहीं है। जाइए, बच्चे ऊट पटांग नारे लगा रहे हैं, जाइए। ये क्यों इन्हें कहीं ले जाने लगी डैड? इन बच्चों को यहाँ लाना भी तो मान्यता का ही प्लान था ना? गुरुजी को अपनी साइड पर लाने के लिए इन भाड़े के बच्चों को लेकर आइए यहाँ। इनफैक्ट ये तो लेट भी इसीलिए हो गई होगी क्योंकि वहां इन बच्चों को परियों की राजकुमारी के नारे लगाने सिखा रही होगी, है ना? मान्यता, हम तुमसे उम्र में छोटे जरूर हैं, पर इनकी तरफ बच्चे नहीं, हम तुम्हारी सारी चालें अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी पूजा में बाधा डालना चाहती थी ना तुम? प्लीज़ ये चाल वाल के बाद हमारे साथ नहीं करो तो बेहतर होगा। हमें अपना मुंह खोलने पे मजबूर मत करो जे। इस पूजा में कौन बाधा डालना चाहता था और कौन नहीं, ये हम दोनों अच्छे से जानते हैं। उदयवीर, आप समझदार हैं, इसलिए हम आपसे ये कहना तो नहीं चाहते, मगर मजबूरन कहना पड़ रहा है।
यहाँ एक बहुत संवेदनशील बात होनी चाहिए और हम नहीं चाहते कि इसमें कोई बाहर वाला दखल अंदाजी करे, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। वैसे भी इस घर में काफी भेदी पहले से ही मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त लंका ढाने के लिए तैयार खड़े हैं। माफ कीजिए हुकुम, शायद हमने ही अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी। मान्यता, इन बच्चों को मैं घर छोड़ देता हूं, चलो। माता, हमारा कर्तव्य है आपको और आपके वंशज को सही राह दिखाना, बाकी आप जो चाहें। डीएस, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? बताइए ना राजपुरोहित जी को, क्या आपने हमें चुना है? जानबूझकर तो चुप नहीं? हमें पता होना चाहिए था कि ये सब कुछ आपकी और मान्यता की मिलीभगत है। आप तो हमेशा से मान्यता को ही सपोर्ट करती आई है ना, तो फिर अचानक से आप हमारा साथ क्यों देने लगी? भी कितने स्टूपिड है, सोच रहे थे कि आप हमारा साथ दे रही हैं। टीएस, सच बताइए, हम आपकी पोती है भी या नहीं? बार बार हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? हमें छोड़िए, देवगढ़ के बारे में सोचिए। क्या देवगढ़ के लिए मान्यता जैसी युवरानी सही रहेगी? लड़की जिसे सुबह नहीं पता होता कि वो शाम को क्या करने वाली है, जो अपने ही फैमिली के बारे में मीडिया में गलत स्टेटमेंट देती है। बताइए डीएस, गुरुजी, इन सब गलत फहमियों के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, पर सच तो ये है कि हमने ये पूजा होने वाली युवरानी राजकुमारी जयनंदिनी के लिए ही करवाई थी। सुन लिया आपने गुरुजी, देवगढ़ की होने वाली युवरानी हम, आपके आशीर्वाद पर और देवगढ़ की राज गद्दी पर असली हक हमारा है। असली हक तो घर की बड़ी बेटी का होता है राजकुमारी जयनंदिनी। गुरुजी, मान्यता घर की बड़ी बेटी जरूर है, लेकिन इन्हें इसलिए नहीं चुना जा रहा है क्योंकि ये हम जैसी नहीं है, चौल और बस्तियों में पली बड़ी है। इन्हें तो सही मायने में युवरानी शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, युवरानी बनना तो बहुत दूर की बात है। महाराज, मान्यता जैसी भी है हमारी बेटी है। हम सोच ही रहे थे मॉम, कितनी देर हो गई, आपने मान्यता के सपोर्ट में कुछ कहा क्यों नहीं? Thank you.
ये लीजिए जय, आज हम आपके सपोर्ट में भी आकर खड़े हो गए हैं। और वो इसलिए नहीं बेटा कि हम आपसे ज्यादा प्यार करते हैं और मान्यता से कम, बल्कि इसलिए हम अपनी दोनों ही बेटियों की रोज रोज की जंग से तंग आ गए हैं। अगर मां साहब ने सोचा है कि आप युवरानी बनेंगी तो आप ही युवरानी बनेंगी। हम हमेशा से मां साहब के साथ थे और आज भी हैं। माँ सही कह रही है गुरुजी, अगर दादी साहब ने जे को चुना है तो फिर आप उसे ही युवरानी बना दो। मैं जानती हूँ मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था, पर मुझे इस राजपाट, गद्दी और ताज की कोई कदर नहीं थी। मेरे परिवार ने कई मौके दिए मेरी काबिलियत साबित करने के, पर हर बार मुझसे कोई ना कोई बेवकूफी हो जाती थी जिससे मेरे घर वालों का सर झुक जाता था। जिन लोगों को आज मेरी वजह से गर्व होना चाहिए उन्हें हमेशा मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे ढीठपने और जिद की वजह से मैंने सब कुछ गवा दिया, इसलिए आज मेरे होते हुए भी दादी साहब को जय को युवरानी चुनना पड़ा। हाँ मैं जंगली हूँ, जाहिल हूँ, गवार हूँ, इसलिए कभी दिमाग से नहीं हमेशा दिल से सोचती रही, उल्टे सीधे फैसले लेती गई और हमेशा आप लोगों को दुख पहुंचाया। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, पर अगर हो सके प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। वो हर एक सबक जो आप लोगों ने मुझे सिखाया है, वो हर एक बात जो माँ और दादी साहब ने मुझे समझाई है, वो सारी बातें मैंने गांठ बांध ली है। अगर मुझे एक मौका मिल गया ना तो मैं आप सबको बता दूंगी कि आप लोगों की मेहनत खराब नहीं गई है, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। और देखना एक दिन आप लोगों को भी गर्व होगा कि मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ नहीं तो बस एक हाँ नहीं तो ही नहीं छूटता। अगर आप लोग चाहोगे ना तो मैं वो भी छोड़ दूंगी। राजमाता, एक राजकुमारी युवरानी तब बनती है जब वो अपनी शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण कर ले, और बेटी मान्यता ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। अरे कोई शिक्षा विक्षा नहीं मिली है इसको गुरुजी, ये बस आपको पट्टी पढ़ा रही है जिस तरह हम सबको पट्टी पढ़ाती आई है आज तक। मान्यता की वजह से इस परिवार को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है गुरुजी, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक मिनट ब्रजराज। गुरुजी आप तो जानते ही हैं कि किस्मत ने हमारे साथ कैसा खेल खेला। ब्रजराज जो कह रहे हैं वो सही है, पर मान्यता भी गलत नहीं है गुरुदेव। अब अगर 16 साल तक एक बच्ची को उसके घर और परिवार से अलग रखा जाए तो उस पर असर तो पड़ेगा ही ना गुरुजी। हम चाहे कितने भी कोशिश करें मान्यता के वो 16 साल लौट के तो नहीं आ सकते ना। भगवान श्री राम भी तो 14 बरस का वनवास काटकर ही अयोध्या वापस आए थे, वैसे ही बेटी मान्यता के घर लौटने का समय आ गया है।
गुरुजी, आपने तो हमें बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। अब हमारे सामने एक नहीं दो दो लायक वारिस मौजूद है। हमें अपनी रियासत के लिए एक निष्पक्ष फैसला लेना होगा, पर दादी होने के नाते हमारा फैसला निष्पक्ष होना मुश्किल है। गुरुजी, अब आप ही हमें कोई उपाय बताइए और इस उलझन से बाहर निकालिए।